फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगिनर्स पाठशाला। सो टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर द नेकलेस। एंड यू नो दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन समरी, थीम, कैरेक्टर्स एंड मॉरल वैल्यू ऑफ दिस चैप्टर। सो टुडे वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम एनसीईआरटी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इन बुक इज, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मिसेस लुइजल एंड व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी। मीन्स जो मटिल्डा मीन्स मिसेस लुइजल थी, वो हमेशा अनहैप्पी क्यों रहती थी और वो किस तरह की इंसान थी। फर्स्ट पॉइंट इज सिंपल प्रिटी यंग लेडी। शी वॉज सिंपल, शी वॉज प्रिटी यंग लेडी। वो बहुत सिंपल सी, बहुत प्रिटी सी यंग लेडी थी। अनहैप्पी बिकॉज शी थॉट दैट शी डिजर्व्स ऑल डिलीशियस एंड लग्जरीज इन लाइफ। शी वॉज अनहैप्पी इन हर लाइफ बिकॉज शी ऑलवेज थॉट दैट उनको जो लाइफ में अचीवमेंट, लग्जरीज या फिर जो चीजें मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिलती थी। एंड हर पॉवर्टी स्ट्रिकन लाइफ हर, तो उनकी लाइफ थी, उनको लगता था वो बहुत पुअर है, उनके पास चीजें नहीं है जो होनी चाहिए। तो उनकी जो पॉवर्टी स्ट्रिकन लाइफ थी, इससे वो हमेशा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और अनहैप्पी रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज हर हस्बैंड। जो उनके हस्बैंड थे मिस्टर लूज, वो किस तरह के पर्सन थे, वो किस तरह के इंसान थे। सो फॉर दिस आंसर, क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। जो मिस्टर लूज थे वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क की पोस्ट पर काम करते थे। लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड, ही वॉज अ लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड फॉर हिज वाइफ। सेक्रीफाइज ऑल हिज हैप्पीनेस फॉर हिज वाइफ। उन्होंने अपनी वाइफ के लिए अपनी सारी की सारी खुशियों को जो था वो सैक्रिफाइस कर दिया था। आफ्टर दैट नेकलेस वाज लॉस्ट। सपोर्टिव एंड स्टैंड बाय हिज वाइफ ऑलवेज। वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे और अपनी वाइफ को हमेशा मोटिवेट करते थे और हमेशा उसके साथ खड़े रहते थे हर एक प्रॉब्लम में। चिल्ड्रन, दीज पॉइंट्स कैन बी नोटेड डाउन इन द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लुइजल आल्सो। व्हेन यू हैव टू राइट दैट राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लुइजल, so these point can be also noted down in that question. Moving to the next question, next question is, how do they replace the necklace? उन लोगों ने necklace को कैसे replace किया after the necklace was lost? So answer is, they bought a similar kind of necklace from the market. उन्होंने market से एक दूसरा जो similar सा necklace था, यानी कि उससे मिलता जुलता जो necklace था, उन्होंने market से खरीद लिया और उसको necklace को उससे चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर्स ऑफ द लुइजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू नेकलेस। कमेंट, जो नेकलेस के खोने का इवेंट था, उस इवेंट के बाद, उस इंसिडेंट के बाद जो लुइजल थी उसकी लाइफ, यानी कि मटिल्डा की जो लाइफ थी वो पूरी तरह चेंज हो चुकी थी। सो व्हाट वाज द कॉज, हर लाइफ वाज वेरी सिंपल। जो मटिल्डा की लाइफ थी वो बहुत ज्यादा सिंपल थी, बट She borrowed necklace. उसने मतलब अपनी फ्रेंड से, she had to go to the party, तो उसने अपनी फ्रेंड से नेकलेस को बोरो कर लिया and that changed her life. और उसके बाद जो उसकी लाइफ थी वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। Her husband borrowed 18,000 francs from lender. उसके हस्बैंड को उस नेकलेस के खोने के बाद 18,000 francs मतलब उधार लेना पड़ा लेंडर से and replaced the necklace. न्यू, और उस अमाउंट से उन्होंने एक न्यू नेकलेस खरीदा जो उनको सिमिलर था उसको नेकलेस के जैसा और उसको रिप्लेस कर दिया। शी वर्क हार्ड ड्यू टू दिस, और उस इवेंट के बाद बिकॉज दे बोरोड मनी फ्रॉम लेंडर्स, सो उस इवेंट के बाद उनको बहुत ज्यादा, यानी कि मटिल्डा को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा एंड दैट द कोर्स ऑफ लुइजल्स लाइफ चेंज आफ्टर दैट। उसके बाद से जो उनकी पूरी लाइफ थी वो पूरी तरह चेंज हो जाती है। Moving to the next important question from NCERT. Next is, what was the cause of Matilda's ruin? जो Matilda ruin means बर्बादी, यानी कि जो जितनी भी उसकी लाइफ में सारा नुकसान हुआ था या बर्बादी हुई थी, उसका क्या रीजन था, क्या कॉज था? How could she have avoided? और वो जो इतना सब उसकी लाइफ में मतलब वेरिएशन आए थे, वो उन सबको कैसे अवॉइड कर सकती थी? So if she did not borrow it, वो उसको अवॉइड कर सकती थी अगर वो नेकलेस को अपनी फ्रेंड से पार्टी में पहनने के लिए नहीं मांगती तो। नेक्स्ट इज कॉज ऑफ मटिल्डाज रिंग एंड व्हाट वाज द कॉज, हर लाइफ वाज डिस्टर्ब टिल द एंड, द नेकलेस। शी हैज टेकन नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग वाज चेंज्ड। लास्ट क्वेश्चन,
question, what would have happened to Matilda if she had confessed to her friend that she had lost her necklace? अगर वो confess करती अपनी friend Mrs. Foster से कि उसका necklace वो खो चुकी है, उनका necklace, तो उसकी life में क्या changes आते हैं, उसकी life पर क्या impact पड़ता? So perhaps her friend forgave her. हो सकता है कि जो उसकी फ्रेंड थी मिसेज फॉस्टर वो उसको माफ कर देती, वो उसको जाने देती इसी तरह, एंड कुड नॉट हैव बियर सो मच डिफिकल्टीज. और जो उसने अपनी लाइफ में इतनी सारी डिफिकल्टीज को फेस किया था उसने नेकलेस वाले इवेंट के बाद, तो उसको वो सारी डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ती, बिकॉज द नेकलेस वॉज जस्ट ओनली 500 फ्रांसिस. She was thinking, Matilda was thinking that necklace was very costly, but actual cost was only 500 francs. And उसको उन सारी cost पर उसने सोचा था कि necklace बहुत expensive है, उस सबको उसको collect करने के लिए बहुत ज़्यादा hard work करना पड़ा. Her whole life was changed. So that was the cause. Now we will continue with some extra questions जो कि आपके board term 2 exam में आ सकते हैं. So first extra question is, what were the three mistakes Matilda committed? वो कौन सी three mistakes थी जो Matilda से उसकी life में हुई थी? First is, she was over ambitious. जो Matilda थी वो बहुत ज़्यादा over ambitious थी, उसको हमेशा बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती थी अपनी life में. Never contented with her life. वो अपनी life को कभी भी realistic तरीके से नहीं feel करती थी. मतलब जो उसके पास चीज़ें थी, she was not happy with them. वो उन चीजों के साथ कभी भी खुश नहीं रहती थी. Asked for a diamond necklace for her friend. वो अपनी एक फ्रेंड जो कि उसकी फ्रेंड थी मिसेस फॉस्टर, उनसे वो डायमंड नेकलेस मांगती है एक पार्टी के लिए. That was her first mistake. Now what was the second mistake? Lost necklace at that party. She has taken necklace from her friend and she lost that necklace at party. वो उस नेकलेस को पार्टी में खो देती. And that was the second mistake of her life. Third mistake is, didn't tell it to her friend. Her last and third mistake was that के जो वो necklace borrow करती अपनी friend से, and after losing that necklace, वो अपनी friend को नहीं बताती कि वो necklace उससे खो चुका है. And borrowed 18,000 francs to replace the necklace. और सिर्फ उस एक means उस एक गलती की वजह से, उस एक mistake की वजह से वो 18,000 francs जो है वो borrow करती है lender से, उसकी पूरी life change हो जाती है. So these are the three mistakes that Matilda committed and changed her life. Moving to the next extra question is, compare and contrast between Matilda and her friend. We have to compare and contrast between the characters of Matilda and her dear husband. So, ambitious woman, जो Matilda थी, she was very ambitious woman. And on the other hand, her husband was hard working person and not ambitious. जब Matilda बहुत ज़्यादा ambitious थी, तो जो उसके husband थे, वो बहुत ज़्यादा hard working थे और बिल्कुल भी ambitious अपनी life में नहीं थे. Dream to leading a luxurious life. जो Matilda थी, उसका dream था कि वो अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा ऐशो आराम के साथ, बहुत ही रिचनेस के साथ, मतलब जो उसके आसपास की चीजें थी वो बहुत सारी उसके पास चीजें हो, तो इस तरह से अपनी लाइफ को डील करे. एंड हर हस्बैंड रियलिस्टिक एंड कंटेंटेड टू लाइफ. जो उसके हस्बैंड थे वो बहुत रियलिस्टिक थे. उनकी लाइफ में जितनी चीजें उनको ऑलरेडी मिली हुई थी, वो उनके साथ बहुत ज्यादा खुश थे. बॉरोड नेकलेस फॉर अटेंडिंग द पार्टी. जो Matilda थी वो अपने पार्टी अटेंड करने के लिए एक नेकलेस बॉरो करती है अपनी फ्रेंड से. लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड. और उसके जो हस्बैंड थे वो बहुत लविंग एंड केयरिंग थे, जो उसको वो परमिशन देते हैं दैट शी कैन टेक नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड. लॉस्ट नेकलेस एंड हर लाइफ वॉज चेंज. जो Matilda थी, शी लॉस्ट दैट डायमंड नेकलेस एट द पार्टी एंड आफ्टर दैट incident, her life was changed. Decided to raise money to replace the lost necklace. जो उसके husband थे वो इतने ज़्यादा devoted थे कि वो अपनी पूरी life और अपनी हर एक happiness को sacrifice करते थे अपनी wife के लिए, क्योंकि उनको जो उन्होंने money लिया था lenders से वो उनको वापस return करना था. So next extra question is, analyze the reason behind Matilda's immense happiness. Matilda की जो बहुत ज्यादा हैप्पीनेस थी, वो बहुत ज्यादा खुश थी, उसका क्या रीजन था? एंड दिस क्वेश्चन कैन बी ऑल्सो आस्क्ड लाइक,
Madame Louisville was intoxicated with pleasure at the ball. Comment. So for this answer, some points are there. And first point is, she went to the party with borrowed necklace and wearing a costly dress. She has taken necklace from Mrs. Forster and she was wearing a very costly dress. So she was very happy and elegant, gracious, smiling and full of joy. She was looking elegant. She was looking very gracious. She was smiling all the time at the party and she was full of happiness because of this. She danced with enthusiasm. She was dancing with enthusiasm. She was dancing with happiness. She was so happy. She was the center of attraction at the party. She was looking as beautiful as she was the center of attraction for everybody at the party. These are the beautiful lag rahi thi ke sab usko sirf dekh rahe the. Received everyone's admiration and flattery. She was looking so beautiful that everyone was flattered on him. Sab usko dekh ke bahut zyada flatter ho rahe the. और सबसे उसको बहुत ज्यादा एडमिरेशन है, सब उसको बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे थे. नेक्स्ट पॉइंट इज, felt happy to dance with high officials. She was looking beautiful and high officials means जो बहुत high पोस्ट थे, यानी कि जो बहुत high पोस्टेड पे लोग पोस्टेड थे. She was dancing with them. She was very happy. Everybody praised her beauty, grace and charm. She was looking beautiful as you know and everybody was praising her for her charm and for her beauty. Looked the prettiest of all. She was looking prettiest of all. Means वो सबसे ज़्यादा पूरी पार्टी में beautiful लग रही थी. Everybody was talking about her. And last is, long cherished dream come true and gave her pleasure. That was her dream. वो तो उसका dream था कि उसको ऐसा मतलब सारी चीजें अपने आसपास चाहिए थी. तो उसका जो dream था, that was like dream come true for her, that party. So these point can be mentioned in these two answers. Now moving to the next expert question, and that is, how was Mr. Louisville able to arrange 36,000 francs after losing that necklace? How जो मतलब Mr. Louisville थे, उन्होंने 36,000 francs को कैसे arrange किया? So for that question, answer is, possessed 18,000 francs which his father had left for him. उन्होंने 18,000 फ्रांसेस कहाँ से लिए? वहां से जो उनके फादर उनके लिए छोड़कर ऑलरेडी गए थे, जो उनकी संपत्ति थी उनके फादर की, वहां से. बोरोड फ्रॉम मनी लैंडर्स, बाकी का उन्होंने कहाँ से अरेंज किया? जो मनी लैंडर्स थे उनसे पैसे उधार लेकर. हैड चेंज देन लॉट, उन्होंने अपना घर चेंज कर लिया, छोटे से घर में उन्होंने रहना शुरू कर दिया ताकि वो पैसों को सेव कर सके. वर्क हार्ड फॉर 10 ईयर्स, उनको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा नेक्स्ट 10 ईयर्स तक उस डेट को चुकाने के लिए. डू ऑल टीडियस जॉब्स लाइक वॉशिंग, शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज एंड कैरिंग वाटर अपस्टेयर्स देमसेल्फ. उनको बहुत सारी छोटी छोटी और जो जॉब उनको मिलती थी वो सब करने थे, जैसे कि वॉशिंग या फिर शॉपिंग, ग्रोसरीज लाना, वाटर को अपस्टेयर्स मतलब स्टेयर से ऊपर ले जाना. ये सारी चीजें मिस्टर लूजल को फेस करनी पड़ी उस डेट को क्लियर करने के लिए. सो चिल्ड्रन, आई हैव एक्सप्लेन एनसीईआरटी क्वेश्चंस विद सम एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टू यू. आई होप कि आपको समझ आया होगा और ये आपको आने वाले आपके टर्म 2 बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.